करनाल में आज किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कई किसान और मर्दानी फाउंडेशन की महिलाओं ने अंबानी और अडानी से संबंधित दुकानों और शोरूम को बंद करवा दिया है। किसानों ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार इन पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है, इन्हीं के दबाव के चलते कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जा रहा है, इसीलिए वे चाहते हैं कि इन पूंजीपतियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जाए। अंबानी की एक घंटे की आमदनी करोड़ों रुपए में है, जबकि एक आम आदमी की आमदनी पर सरकार शिकंजा कस रही है, इसलिए वह शांतिप्रिय तरीके से लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इन बड़े पूंजीपतियों की दुकान से कोई भी सामान नहीं खरीदे। इस अवसर पर मर्दानी फाउंडेशन की महिलाओं ने कहा कि अंबानी और अडानी के अलावा बाबा रामदेव भी इन पूंजीपतियों की लिस्ट में है, इसलिए उनके द्वारा बनाए जा रहे प्रोजेक्ट का भी बहिष्कार किया जाएगा। यदि कोई वास्तव में देश हित की सोचता है तो वह इनसे सामान नहीं खरीदेगा। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि समय मौजूद हूं करनाल के कुंजपुरा रोड पर, जहां आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों का साथ देने के लिए कई किसान नेता और करनाल की कई जो है संगठन इस समय वो मौजूद हैं यहाँ पर कुंजपुरा रोड पर। इनका ये कहना है कि ये जो भी सरकार विरोध जो भी किसान विरोधी तत्व हैं उनका बहिष्कार करेंगे, उनके सामान उनका जो सामान है उनके प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार किया जाएगा। इसी कड़ी में आज इन्होंने रिलायंस के शोरूम को भी इन्होंने बंद करवा दिया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कई किसान नेता, मैं आपसे वहाँ से बात करने का प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं कि इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कहीं यहाँ पर किस लेकर सर, हम लोग रिलायंस प्रोडक्ट्स के बहिष्कार के लिए, पतंजलि प्रोडक्ट्स के बहिष्कार के लिए और फॉर्चून तेल के बहिष्कार के लिए हम लोग आज पूरे रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिलायंस का शोरूम है, जनता से इतनी अपील करना चाहते हैं कि इस शोरूम से कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है और बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर हैं, आप कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं। इनका बहिष्कार कीजिए क्योंकि ये लोग देश के अन्नदाताओं के खिलाफ कार्यवाही करने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश की जनता इनको नहीं चाहती है, किसान नहीं चाहता है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आए। मेरा नाम एडवोकेट सोनिया तवर। ये थी एडवोकेट सोनिया तवर जिन्होंने बताया कि पतंजलि के प्रोडक्टों का रिलायंस के प्रोडक्टों का मेरे से किसान नेता मौजूद है, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर आपका हाँ जी, मेरा नाम जगदीप सिंह ओलक है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से हूं मैं। आज पर आप स्पेशल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका बातचीत का भी मेरे ख्याल से मसौदा तैयार हो चुका है। देखो ये यदि आपको एक बार बताऊं, इस आंदोलन का जो भूकंप का केंद्र है ना, जो ये भूकंप तैयार हुआ है इसका केंद्र है वो अंबानी अडानी है। उनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है, उन्होंने ही उनकी वजह से ये प्रधानमंत्री आज हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, ये उनका चौकीदार है अंबानी अडानी का। और वो इस देश में देखो आज एक घंटे की 90 करोड़ रुपये इनकम है अंबानी की, और एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनकी 9 रुपये घंटे की नहीं है। इस देश में कितनी बड़ी इन्होंने खाई खोद दी। ये लोग असली हमारे दुश्मन हैं, ये इस देश की जनता का खून निचोड़ कर पीना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, हम ये कहने आए हैं, हम कोई इनका शोरूम बंद कराने नहीं आए, ना हम इनका शोरूम को बंद कराएंगे। हम आम जनता से अपील करने आए हैं, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के यही अपील करेंगे, आप इनका बहिष्कार करो, इनसे कोई कपड़ा ना खरीदो, इनके पेट्रोल पंप से कोई तेल ना डलवाओ। एक बाबा रामदेव ने भी इन किसानों का समर्थन किया है, और ये सबसे बड़ा नलायक बाबा है जिसने 10 साल पहले ये भूखा था, जीरो पे खड़ा था, आज ये इंडिया के टॉप 10 में ये अमीर बंदा है। और इसके प्रोडक्टों का भी सारे बहिष्कार करो, और ये हमारे किसानों का दुश्मन है, इसने भी इन आंदोलनों पे सरकार का समर्थन किया है, और ये समाज के भी खिलाफ है। हम सपा से विनम्र निवेदन अपील करेंगे, हाथ जोड़ के पैर पकड़ के आप इनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, इनकी इनकी आर्थिक तौर पे कमर तोड़ो, ये हमें लूट खसोट करके इस देश की हर चीज पे कब्जा करना चाह रहे हैं। सर आप क्या कह रहे हैं, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज 3 बजे मेरे ख्याल से वार्ता भी होनी है, आप लोगों ने अपना एजेंडा भी तैयार करके दे दिया है सरकार? एजेंडा क्लियर है, यस और नो की बात है। पहली चीज ये कानून वापस ले, दूसरी MSP दे, ये क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशोधन नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्लियर है। तो आज आप यहाँ पर किस लिए कर रहे हैं? हम ये हुए हैं जो ये अंबानी अडानी रामदेव के हाथ में ये इंडिया जा रहा है, हम इसको रोकने के लिए हुए हैं भी, हमें चाहिए इसको बहिष्कार करना, हम इसका बहिष्कार करने के लिए अपील कर रहे हैं, और ये बहिष्कार होगा तो ही रुकेंगे। ये जो लोकतंत्र है ये खत्म हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री है वो जनता की सुनता था, अब ये जनता की सुनने की बजाय इन अंबानी अडानी और रामदेव की सुनता है। रामदेव ने बहुत क्लियर कहा था भी ये सरकार को वोट दो, आप 300
300 का सिलेंडर लेना चाहते हैं, 30 का सेल लेना चाहते हैं, आज कहाँ गया, आज कहाँ गए इनके रेट, 80 रुपये हो गया। रामदेव ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं बोल रहा, क्यों, उसको अपने प्रॉफिट से मतलब है और किसी से नहीं। एक आदमी सलवार डाल के निकलता है दिल्ली से और उसको ये नहीं पता भी ये जनता लोकतंत्र की है, अपनी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है मोदी, तो हम सोच रहे हैं भी ये चीज़ ना हो। देखिए मेरे साथ मौजूद है, मैं और उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ मौजूद है सपना राणा जी। राणा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे सारे मुद्दे पर? कहने को बचा तो कुछ नहीं है, बस आम जन से अपील करने के लिए आज सड़कों पर निकले कि इन रिलायंस जैसी कंपनियों का बहिष्कार करो, क्योंकि पिछले एक महीने से हमारा किसान भाई सड़कों पर बैठा है कड़कती ठंड में, आप अपने घरों से नहीं निकल रहे, लेकिन आज हम आम जन से अपील कर रहे हैं कि आप इन कंपनियों का बहिष्कार करें, क्योंकि आज किसान असुरक्षित है और अगर किसान नहीं है तो फ्यूचर भी नहीं है मेरे ख्याल से। मोदी टीम पूरा त्याग पत्र दे रहे, हम तो यही कहते हैं, जब देश को नहीं चला सकता, बेचने भी लगा हुआ ना, तो उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए, शर्म से डूब मरे ये मोदी टीम पूरी की पूरी। मैं यही कहना चाहूँगी रिलायंस का और ये फॉर्चून तेल वगैरह इसका बहिष्कार करे, अंबानी अंडानी के प्रोडक्टों का बहिष्कार करे, क्योंकि ये हमारे देश का फ्यूचर नहीं है, देश का को खत्म करने के लिए, खोखला करने के लिए आए हैं। अगर हमारे किसान अन्नदाता जो हमें ये चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं उसको ये महंगे दामों में बेचकर प्राइवेट कंपनियों को बनाकर अगर हमें ये दे रहे हैं तो हमारी देश की जनता को समझना चाहिए कि ये किसान अगर सुरक्षित नहीं कर सकते तो हम जैसे जनता को क्यों सुरक्षित करेंगे। तो इन प्रोडक्टों का बहिष्कार करें। अगर कोई भी जनता, कोई भी आम जन अगर इस रिलायंस की कंपनियों में अगर आके सामान लेता है तो वो देश का देशद्रोही कहलाया जाएगा। हाँ जी, हम शांति प्रिय कर रहे हैं आज, अब ये देख ही रहे हो हम रिलायंस के ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं, तो आराम से ही खड़े हैं, आराम से ही अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसे ही हम आगे और ऑफिसों में जाएंगे और आराम से ही करेंगे। हमारा कुछ भी समाज में नुकसान पहुंचाना हमारा हित नहीं है, हमारा आम जनता को जागरूक करना हित है, क्योंकि जो सोए हुए हैं वो उठे और पहचाने कि किसान हमारे क्या है, अन्नदाता सुरक्षित नहीं तो हम कैसे सुरक्षित हो जाएंगे, हमारा सिर्फ यही नारा है। इस देश के अंदर कहने को सिर्फ एक ही मुद्दा बचा सर, मुद्दा है किसानों का बचाना। जब तक किसान सुरक्षित नहीं है, अन्नदाता सुरक्षित नहीं है, तो इस देश की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अन्नदाताओं के हक में आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, सड़कों पर नहीं उतर सकते, तो अपने घरों के अंदर रखे गमलों के अंदर आप गेहूं और चावल उगाना शुरू कर दो और फिर अपने बच्चों का पेट भर लेना, नहीं तो आप अंबानी अडानी के रिलायंस के शोरूमों में जाओ और वहीं बैठ के चमचागिरी करो। हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक खड़े हैं और उसके बाद भी खड़े रहेंगे, और जो नहीं खड़े हैं मैं उनको देशद्रोही की संज्ञा देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। आप सबने सुन लिया होगा, मैं आपको दोबारा से बताना चाहूंगा कि हमने बात करी है अभी कुछ किसान नेताओं से भी, जिनका ये कहना है कि इस समय जो भूकंप छाया हुआ है हमारे देश के अंदर, इसका जो सबसे बड़ा केंद्र है वो अंबानी और अंडानी है, जो देश का प्रधानमंत्री है वो देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा, वो जनता का प्रधानमंत्री नहीं रहा, बल्कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों का चौकीदार रह गया है, बड़ी बड़ी कंपनियों का चौकीदार बन चुका है, क्योंकि जिस अंबानी की कमाई एक आप देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी करते हुए अब दूसरे शोरूम की तरफ जा रहे हैं कि बंद करवाने के लिए। मैं आपको बता दूं, अब इन सब का ये कहना है कि शांति प्रिय तरीके से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि वो भी किसानों का साथ दें, अगर क्योंकि अब आज के समय में अन्नदाता सुरक्षित नहीं है, अगर अन्नदाता सुरक्षित नहीं होंगे तो देश भी सुरक्षित नहीं होगा। जिस तरह से अंबानी और अडानी पतंजलि के हाथों में हमारा भारत जा रहा है, आने वाले समय में देश का भविष्य भी गर्त में चला जाएगा। मैं तरुण प्रधान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी का समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.